आज हम लोग क्या देखेंगे, लाइटनिंग फेनोमेना क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या इस लाइटनिंग फेनोमेना किसे कहते हैं, द डिस्चार्ज ऑफ चार्ज्ड क्लाउड टू अ ग्राउंड इज कॉल्ड लाइटनिंग फेनोमेना, ठीक है। देखो अगर मान लो कि आपका ये क्लाउड है पूरी तरह से चार्ज्ड हो गया, तो वो अपने चार्ज को क्या करता है, ग्राउंड की तरफ डिस्चार्ज करता है, राइट। तो इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं हम, लाइटनिंग फेनोमेना, राइट, ठीक है। अब देखो जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है एयर के थ्रू वो कैसे होता है, जब आपका क्लाउड है ना, मतलब सच अ हाई पोटेंशियल पे पहुंच जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होता है कि इन दोनों के बीच में, ग्राउंड और क्लाउड के बीच में जो आपका एयर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ये हाई पोटेंशियल पे चला जाता है तो क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच में जो एयर होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है सराउंडिंग की वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण आपका क्या हो जाता है, आपका जो चार्जेस हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो क्या बोला, व्हेन द क्लाउड इज राइज टू अ सच अ हाई पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू अ ग्राउंड दैट द एयर ब्रेक्स डाउन एंड द इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ सराउंडिंग एयर इज डिस्ट्रॉय, ठीक है। और ये जो राइज होता है पोटेंशियल में वो क्यों होता है, दिस राइज ऑफ पोटेंशियल इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शनल इफेक्ट ड्यू टू एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। आपके एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, पोटेंशियल राइज होता है, राइट। तो पोटेंशियल राइज होता है क्यों होता है, जो आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें, मतलब कुछ भी एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस होता है तो उनके कारण क्या होता है, क्लाउड्स आपका फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो जो आपके क्लाउड और ग्राउंड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, दो ये मतलब कैपेसिटर प्लेट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और इनके बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। ये दो क्या, ये देखो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे के ग्राउंड पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो दो कैपेसिटर प्लेट्स की तरह ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, और इनके बीच में क्या होता है आपका एयर, मतलब डायलेक्ट्रिक जो मीडियम होता है वो क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, जब आपका थंडर स्ट्रॉम होता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं बाय अ मोमेंट ऑफ एयर करंट, ठीक है। एयर करंट के कारण जो आपकी हवा होती है, मतलब एयर करंट जो होता है उसके कारण क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और जो ऊपर में क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या कहते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं, आइस क्रिस्टल फॉर्म करते हैं ऊपर, मतलब अपर लेयर ऑफ क्लाउड में एंड द रेन इन द लोअर पार्ट ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो आपका क्लाउड क्या हो जाता है, तो क्लाउड बिकम्स द नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द लार्ज, मतलब लार्जर लेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एट द टॉप। आपका नीचे वाला क्या होता है, क्लाउड क्या हो जाता है आपका, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और जो ऊपर वाले जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो देखो इन दोनों के एयर जो करंट होता है, इन दोनों से क्या करता है, आपके चार्जेस को सेपरेट कर देता है। तो यहां पर क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गए, तो उसके कारण क्या होता है, जो आपका ग्राउंड होता है ना, जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है, गेट्स द पॉजिटिवली चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जो लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है ना, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम बन जाता है आपका एयर। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब होगा, लाइटनिंग मतलब डिस्चार्ज कब होगा, कि अगर जब इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका लाइटनिंग डिस्चार्ज होगा, ठीक है। उस क्या होता है कि दैट इज एयर बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज क्लाउड एंड पॉजिटिवली चार्ज ग्राउंड, क्या है वो एयर जो इन दोनों के बीच में है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आपका जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या होगा, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ मूव करने लगेगा। समझ में आ गया यहां तक। अब देखो अब क्या है आपका इसमें, देखो ये क्या है आपका, तो देखो ये क्या होता है, जैसे ये जो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं। तो ये क्या होता है कि डिफरेंट सेवरल पाथ्स में मूव करते हैं, ये क्या होता है, स्टेप लीडर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, स्टेप्स के फॉर्म में होते हैं। तो देखो ये जो आपको दिख रहे हैं ये स्टेप्स के फॉर्म में, इसे क्या कहते हैं, स्टेप लीडर कहते हैं,
ठीक है, ये क्या होता है, जिगजैग वे में होता है. इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेप अबाउट 50 मीटर इन अ लेंथ. ये क्या, एक एक जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं 50 मीटर के होते हैं. मान लो कि ये स्टेप 50 मीटर का हुआ, फिर यहां से कोई दूसरा स्टेप निकला 50 मीटर का, फिर दूसरा स्टेप निकला 50 मीटर का. ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपने डिस्चार्ज करते हैं. ठीक है, अब देखो, द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दिस स्टेप शुड बी मोर देन 16.6% ऑफ दैट ऑफ लाइट. ठीक है, अब देखो ये आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका जैसे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आता है, तो जो आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं ऊपर की ओर. तो ये क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये होता है रिटर्न स्ट्रीमर होता है. तो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं. ठीक है, देख रहे हो आप, इसकी ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, यहां से आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चलता है, इधर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जहां पे ये मिलते हैं वहां पे आपका क्या होता है, लाइटनिंग होता है. ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, रिटर्न स्ट्रीमर कहते हैं. राइट, देखो ये सर्टेन आपके डिस्टेंस पर पहुंचेंगे जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो क्या हो जाएंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो ये क्या होगा, ये भी क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा, और जहां पे ये एक दूसरे से मिलते हैं वहां पे क्या होगा, आपका लाइटनिंग होगा. ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है कि दो, मतलब आपके यहां पे एक ही क्लाउड के अंदर दो क्या हो रहे हैं, दो नेगेटिवली चार्ज्ड मतलब पार्टिकल एक्यूमुलेट है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है. तो ये जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा ना, ये आपका एक पार्ट जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो क्या होगा, जो दूसरा होगा उसके अंदर में ही, तो वो भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा. एक सेकेंड, ये देखो यहां वाला जब पार्ट, ये वाला पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उसके बगल में जो होगा आपके चार्ज पार्टिकल वो भी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है लाइटनिंग फेनोमेना.